प्रदेश के बरेली में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यहाँ एक चेन्नई की रहने वाली युवती 2000 किलोमीटर का सफर तय कर बरेली आ पहुँची। उसने पुलिस में अपनी प्रेमी की शिकायत की है। युवती का कहना है कि बरेली के रहने वाले राजेश से उसको प्यार हो गया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो एक होटल में मिलने पहुँचे, जहाँ युवक ने उसकी मांग भर दी और सारी हसरतें पूरी कर ली। उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और पति की तरह उसके साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन जब उसने पति को ऐसी खुशखबरी दी जिसे सुनकर वह भाग निकला। युवती का कहना है कि अब राजेश मुझे अपना नहीं रहा। बरेली में एक प्रेम की दीवानी अपने प्यार की चाहत में चेन्नई से बरेली आ पहुंची। युवती का कहना है कि बरेली के एक युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए। उनका प्यार परवान चढ़ा। इतना ही नहीं, बरेली का युवक लड़की से मिलने चेन्नई गया। होटल के कमरे में उसकी मांग भर उसके साथ संबंध बनाए और जब लड़की गर्भवती हुई तो वह वहां से कन्नी काट के बरेली भाग आया। अब पीड़ित युवती न्याय की गुहार लगाते हुए बरेली पहुंची है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाने पर न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता चेन्नई से बरेली आई है। पीड़ित युवती के मुताबिक उसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने का शौक था। उसकी हर रील पर बरेली का राजेश नाम का युवक लाइक करता था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को नंबर दिए और नंबर लेने के बाद दोनों की व्हाट्सएप पर चैट शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जब वह करीब आए तो दोनों ने प्यार का इजहार भी कर दिया। इसके बाद युवक उससे मिलने चेन्नई पहुंचा। चेन्नई में उसके साथ मांग भरने के बाद संबंध बनाए। युवती को लेकर वह दिल्ली के एक होटल में रुका और यहाँ पर उसने उसको अपनी पत्नी के रूप में एंट्री की। मामला यहीं पर नहीं थमा। बरेली का युवक चेन्नई में युवती के साथ रहने लगा और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन जैसे ही राजेश को पता चला कि उसकी प्रेमिका गर्भवती हो गई है, वह उसको वहां पर चकमा देकर बरेली आ गया और अब उसका नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है। जब उसने परिवार से बात करने के लिए कहा तो उसको डरा धमका कर जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन प्यार की चाहत में पीड़ित युवती बरेली पहुंच गई। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित युवती का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।